Good evening, everyone. This is Amarpreet Singh Arora, and I'm here with first chapter of accounts of class 11. This is introduction to accounting. आज की क्लास में हम लोगों ने अकाउंट्स का फर्स्ट चैप्टर शुरू करना है, एंड इस फर्स्ट चैप्टर का नाम आपके पास इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग है। जब मैं इस चैप्टर की आपके पास बात करता हूँ, ये चैप्टर पूरा थियोरिटिकल है। ये बेसिकली बात करेगा कि अकाउंट्स का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अकाउंटेंसी। ऐसे अलग अलग वर्ड्स हमारे पास इस चैप्टर के अंदर आएंगे। सिमिलरली अगर हम इस चैप्टर की बात करते हैं तो इस चैप्टर में आगे हमारे पास कॉन्सेप्ट आएगा अबाउट डबल एंट्री बुक कीपिंग। अगर आप अपने इस बुक के फर्स्ट पेज पर आओगे, इफ यू कम टूवर्ड्स द फर्स्ट पेज ऑफ योर बुक, जो आपका कवर पेज है, तो अगर आप उस पर ध्यान से देखोगे तो आपके पास लिखा हुआ है डबल एंट्री बुक कीपिंग। आपके पास एक चीज लिखी है जहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डबल एंट्री बुक कीपिंग। हम डिस्कस करेंगे कि इस डबल एंट्री का मतलब क्या होगा। हमारे पास इस बुक में एक चैप्टर सिंगल एंट्री के नाम से भी आएगा। सो जब मैं अकाउंट्स की बात करता हूँ, देर आर टू मेथड्स ऑफ परफॉर्मिंग अकाउंट्स। आपके पास दो मेथड्स होते हैं अकाउंट्स को क्रिएट करने के। वो दो मेथड्स कौन कौन से होते हैं, एक हमारे पास डबल एंट्री सिस्टम होता है, एक हमारे पास सिंगल एंट्री सिस्टम होता है। योर इंटायर बुक ऑफ क्लास 11th, 12th एंड जो भी आप अकाउंट्स अपने आने वाले फ्यूचर ईयर्स में करोगे, इवन इन कॉर्पोरेट लाइफ, हम लोग डबल एंट्री बुक कीपिंग ही फॉलो करते हैं। वी ऑलवेज फॉलो डबल एंट्री बुक कीपिंग। लेकिन हमारे पास सिर्फ समझाने के लिए सिंगल एंट्री होती क्या है और सिंगल एंट्री कैसे करी जाती थी, एक चैप्टर उसके बारे में आपके पास बुक के अंदर के बारे में। आओ जरा से शुरू करते हैं। अकाउंटिंग इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। जब हम लोग अकाउंट्स की बात करते हैं, जब हम लोग अकाउंटिंग की बात करते हैं, तो पहली चीज हमारे पास इसके अंदर क्या आती है, पहली चीज हमारे पास यहाँ पे अकाउंटिंग की डेफिनेशन आती है। हम कहते हैं कि अकाउंटिंग बेसिकली है क्या, अकाउंटिंग एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है। ये कोई हैप हैजार्ड नहीं है, ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि जब आपका मन करे आप शुरू कर सको। अकाउंटिंग एक ऐसी चीज है जो आपको सिस्टमैटिक मैनर में कैरी ऑन करनी पड़ती है। अकाउंट्स इज समथिंग दैट यू हैव टू कैरी ऑन इन अ सिस्टमैटिक मैनर। इसके अलावा अकाउंटिंग में हमारे पास बहुत सारे स्टेप्स आते हैं, वी हैव वेरियस स्टेप्स इन अकाउंटिंग। जितने भी वर्ड आप यहाँ पर पढ़ रहे हो, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट्स इन द यूजर्स देयर ऑफ, ये सारे हमारे पास अलग अलग स्टेप्स हैं जो अकाउंटिंग के अंदर आते हैं। अगर एक बार आपको ये सारे स्टेप्स क्लियर हो जाते हैं, वंस यू आर अवेयर ऑफ ऑल दी स्टेप्स दैट यू हैव टू परफॉर्म इन अकाउंटिंग, तो ये डेफिनेशन आप अपने आप आ सकते हैं। आप अपने फर्स्ट पेज पर देखोगे तो आपको अलग अलग डेफिनेशन के बने, डिफरेंट डिफरेंट ऑथर्स की, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन की। जैसे यहाँ पे देखो, आपको एक डेफिनेशन गिवन है अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन की, एक आपको गिवन है अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, तो हम लोग CPAs भी कहते हैं, एक आपके पास स्मिथ एंड आसबर्न की भी गिवन है। इन डेफिनेशन को आपने लर्न नहीं करना, दीज आर नॉट रिलेवेंट। जो ये स्टार्टिंग की डेफिनेशन आपका बुक आपको प्रोवाइड कर रहा है, अकाउंटिंग इज सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड द रिजल्ट्स थेरऑफ टू द यूजर्स, आपने सिर्फ इसी को याद रखा और इसको भी हमारे को लर्न करने की जरूरत नहीं है। एक बार आपको इसके स्टेप्स क्लियर हो जाते हैं, एक बार आपको इसके एट्रीब्यूट्स क्लियर हो जाते हैं, तो आप अपने आप इसे कर सकते हैं। नेक्स्ट पेज के ऊपर आओ, आपके पास इसके अंदर टॉपिक आता है एट्रीब्यूट्स या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। आपके पास यहाँ पर एक डायग्राम भी गिवन है, अगर आप लोग देखोगे उन्होंने बीच में लिखा हुआ है एट्रीब्यूट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग, एंड उसमें जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं उन सबको यहाँ पर एक्सप्लेन कर रखा है। इसके अंदर पहला एट्रीब्यूट हमारे पास आता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। मेरी एक बात समझो, अकाउंट्स इज ऑल अबाउट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। अकाउंट्स किसके बारे में होती है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के बारे में। रिलायंस का चेयरमैन जो मर्जी हो, चाहे मुकेश अंबानी हो, चाहे उन्होंने अपने बेटे को बना दिया हो, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। अकाउंट्स कहता है कि जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस है वो मुझे पता है। सो अकाउंट्स ओनली टॉक्स अबाउट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, आपको नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को कंसिडर ही नहीं करता, कहीं रिकॉर्ड ही नहीं करता। मैं आपको दो चीजों के नाम लेता हूँ। मैं कहता हूँ सैलरी पेड टू एम्प्लॉई 50,000। आपके पास एक एम्प्लॉई है, आपने उसको सैलरी पे करी 50,000। और दूसरा आपके पास है हायर्ड न्यू एम्प्लॉय, एक नए एम्प्लॉय को आप हायर करके लेकर आए, दोनों में से किस एंट्री को रिकॉर्ड करो, पहले वाली को रिकॉर्ड करो। सेकंड वाली एंट्री के अंदर इफ यू आर हायरिंग अ न्यू पर्सन, अभी तक मैंने सैलरी की बात तो नहीं कही कि वो कितने हैं, 10,000 है, 20,000 है, 30,000 है, मुझे कुछ नहीं पता। सो जो भी आपकी फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजेक्शन होगी आपने सिर्फ उसको रिकॉर्ड करना, यू हैव टू ओनली रिकॉर्ड दोज ट्रांजेक्शन विच आर ऑफ फाइनेंशियल नेचर। स्टार्टिंग में क्या होता है, आप कभी किसी कंपनी में काम करने जाते हो, आपको ना बड़े सारे रिकॉर्ड्स दे देते हैं,
आपको बड़े से ट्रांजेक्शन दे देते हैं और कहते हैं कि इन ट्रांजेक्शन के ना अकाउंट बनाकर दिखाओ। तो वो ट्रांजेक्शन में से ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यू हैव टू आइडेंटिफाई कौन सी ट्रांजेक्शन फाइनेंशियल नेचर की है और कौन सी ट्रांजेक्शन नॉन फाइनेंशियल नेचर। एंड अकाउंट्स के अंदर हम सिर्फ कौन ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे, ट्रांजेक्शन विच आर ऑफ फाइनेंशियल नेचर। आप देखो यहाँ पे लिखा क्या है, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ओनली दोज ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। अकाउंट सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है जिसको पैसे की टर्म्स में मेजर किया जा सके। अगर ट्रांजैक्शन ऐसी है जिसे पैसे की टर्म में मेजर ना किया जा सके तो आप उसको रिकॉर्ड नहीं करो। मेरा एक चेयरमैन है, मेरा चेयरमैन कंपनी का जाके एक ओल्ड एज होम को विजिट कर गया है, क्या मैं उसे रिकॉर्ड करूंगा? नहीं रिकॉर्ड करूंगा। मैं उसको कंपनी के न्यूज लेटर में शो कर सकता हूँ, मैं सोशल मीडिया पे एडवर्टाइज कर सकता हूँ, अपनी वेबसाइट पे भी शो कर सकता हूँ, लेकिन अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करूंगा। क्यों? बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल नेचर का नहीं है। लेकिन हाँ, अगर मेरा चेयरमैन वहां पर जाए कोई डोनेशन कर कर आता है, कोई 5 लाख 50 लाख वहां पर देकर आता है, तो वो चीज फाइनेंशियल नेचर की होगी। जैसे ही फाइनेंशियल नेचर की बनेगी वैसे आंख बंद करके मैं अपने अकाउंट्स में रिकॉर्ड करता हूँ। सो द फर्स्ट स्टेप, द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, द फर्स्ट एट्रीब्यूट ऑफ अकाउंटिंग इज सिंपली दैट यू हैव टू रिकॉर्ड दोज ट्रांजैक्शंस विच आर ऑफ फाइनेंशियल नेचर। अगर ट्रांजैक्शन नॉन फाइनेंशियल नेचर की है तो आपको उसको रिकॉर्ड नहीं करना, सिंपली इग्नोर इट। आगे उन्होंने लिखा हुआ है यहाँ पे, दिस इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स एज अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, फॉर एग्जाम्पल परचेज ऑफ रॉ मटेरियल और सेल ऑफ फिनिश गुड्स। आप एक कंपनी हो, आप रॉ मटेरियल खरीदते हो, मुझे पेन मैन्युफैक्चर करना, पेन मैन्युफैक्चर करने के लिए मुझे प्लास्टिक चाहिए, मुझे इंक चाहिए, मुझे लेबलिंग करानी है, उसके बाद प्रिंटिंग करानी है, ब्रांडिंग करानी है, बड़ी सारी चीज़ें। इन सब पर जो मैं खर्चा करूंगा मैं अकाउंट्स में रिकॉर्ड करूंगा। फिर जब मैं पेन बेचूंगा, पेन बेच के मेरे पास पैसे आएंगे, मैं फिर से उसको रिकॉर्ड करूंगा। क्यों? बिकॉज ये फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजेक्शन है। इसके अलावा मैं कोई भी काम करता हूँ नॉन फाइनेंशियल नेचर का, तो मैं उसे कभी भी रिकॉर्ड नहीं करूँगा। सो यू हैव टू ऑलवेज रिमेंबर, अकाउंट्स इज ओनली अबाउट फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स। It is only about financial events and financial transactions which can be measured in terms of money. अगर आप कोई भी ऐसा काम करते हो जो पैसे की टर्म में मेजर नहीं हो सकता तो उसको रिकॉर्ड नहीं कर। यहाँ तक समझ आ रहा है आप सबको? ओके ओके, आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कितना सेकेंड एट्रीब्यूट आता है, सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक आता है, एंड वो हमारे पास क्या कहते हैं, दैट इज मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजेक्शन। देखो पहले स्टेप में मेरे को ना सिर्फ आइडेंटिफाई करना है कि कोई ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल नेचर की है या फिर नहीं है। आप देखो, आप इकोनॉमिक्स में एक चीज पढ़ोगे, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज, इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर दोज एक्टिविटीज विच आर अंडरटेकन फॉर मनी और मटीरियल मोटिव, ऐसी एक्टिविटीज जो आप करते हो पैसे या फिर पैसे से खरीदी जाने वाली चीजों के लिए, उन्हें इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहते हैं। मैं अगर आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, इट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। एट द सेम टाइम अगर आपके पेरेंट्स आपको घर पर पढ़ाते हैं, दैट इज अ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, बिकॉज उस चीज़ से कोई पैसा चार्ज नहीं कर रहे। सिमिलरली अगर आप हेल्प करते हो एक ओल्ड पर्सन की रोड क्रॉस करने में, रोड क्रॉस करके उससे पैसे तो नहीं मांगते हो आप, बिकॉज यू आर डूइंग इट आउट ऑफ लव, आउट ऑफ कंपैशन एटसेट्रा। सो द फर्स्ट एट्रीब्यूट ऑफ अकाउंटिंग ओनली टॉक्स अबाउट आइडेंटिफाइंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। आइडेंटिफाई करो कि कौन सी ट्रांजेक्शन फाइनेंशियल नेचर की हैं, पैसे के नेचर की है। दूसरे स्टेप में आप मेजर करते हो कि वो एक्चुअली में किस वैल्यू की है। मैं कहता हूँ सैलरी पेड, मैं क्या कहता हूँ, सैलरी पेड, मैंने सैलरी पे कर, आप इसको आइडेंटिफाई करो कि हाँ ये जो है फाइनेंशियल नेचर की है। सेकेंड स्टेप में यू हैव टू आइडेंटिफाई, यू हैव टू मेजर कितने पे की सैलरी। अगर पे करी है 10,000 की है, 20,000 की है, 30,000 करी है, तो सेकंड स्टेप टॉक्स अबाउट मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शंस। जिन ट्रांजैक्शंस को आपने आइडेंटिफाई कर लिया है, अब उन ट्रांजैक्शंस को मेजर करो। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स आर मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, एन इवेंट विच कैन नॉट बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी इज नॉट रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। फॉर एग्जाम्पल इवेंट्स लाइक क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट टर्म और अपॉइंटमेंट ऑफ अ मैनेजर आर नॉट रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ मैनेजमेंट। आपको यही बात क्लास के अंदर कही थी। मैं कहता हूँ कि मुकेश अंबानी पहले चेयरमैन था, बाद में उनका बेटा चेयरमैन बन गया, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा काम क्या है, फाइनेंशियल नेचर की चीज़ों को रिकॉर्ड करने का। मैं कहता हूँ कि मेरी टीम ने बड़ा अच्छा काम किया, क्वालिटी ऑफ वर्क किया। मैं कहता हूँ मेरी टीम की क्वालिटी ऑफ वर्क अच्छी नहीं, अकाउंट्स को सिर्फ कोई फर्क नहीं पड़ता। अकाउंट्स को फर्क पड़ता है मॉनिटरी ट्रांजेक्शन से। सो पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप आपके पास बड़ी सारी इवेंट्स है, इन इवेंट्स में आइडेंटिफाई करो फाइनेंशियल कौन सी है, नॉन फाइनेंशियल कौन सी। दूसरा स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप इसके अंदर है, अगर आपने एक बार फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को देख लिया,
देखो इन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की वैल्यू क्या है, इन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को मेजर करो। मेजर कैसे करो? इन टर्म्स ऑफ मनी, 10,000, 20,000, 30,000, क्या है? समझ आ गया यहां तक? कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इसके अंदर आता है रिकॉर्डिंग। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट इज रिकॉर्डिंग। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। रिकॉर्डिंग इज द प्रोसेस of recording business transactions of financial character, example transactions measured in terms of money. अपने पास ना इस third step के आगे सिर्फ एक word लिख लो, journal। ये जो आपके पास third attribute given है, इसके सामने आपने सिर्फ एक ही word लिखना है, और आपने वो word क्या लिखना है, आपने वो word यहाँ पर लिखना है only journal। अब देखो हम लोग जब आगे जाएंगे ना, तो हम आगे जाकर इन सारे chapters को discuss करेंगे। We'll be discussing all these chapters, ये सारे chapters हमने अभी आगे जाके करने हैं। वहीं पर हमारे पास एक chapter ना journal के नाम से भी आएगा। Journal जो आप class 11th में आज कर रहे हो ना, ये पूरी जिंदगी आपके साथ रहेगा, कुछ भी कर लो। आप अगर accounts का A भी कहीं पे काम करोगे तो वहाँ पे journal बनता। हर company में journal बनाया जाता है, it is compulsory। जब तक journal नहीं बनता, तो journal नहीं बनता, आप आगे कुछ भी नहीं कर सकते। आप अभी एक चैप्टर पढ़ोगे अकाउंटिंग इक्वेशन, वो सिर्फ 11th तक रेलेवेंट है, ना वो 12th में है, ना वो आपकी एक्चुअल प्रैक्टिकल लाइफ में। लेकिन उसके बाद जो अगला चैप्टर करोगे ना जर्नल, वो हर जगह है। आप क्लास 11th में होके जर्नल पढ़ोगे, दैट यू आर डूइंग। मैं अगर प्रैक्टिकल लाइफ में, अगर मुझे आर्टिकलशिप के लिए हमारे को जाना पड़ता है, कंपनी का ऑडिट करना होता है, वहां पर भी हम जाकर उनके चेक क्या करते हैं, जर्नल चेक करते हैं, उनके वाउचर्स चेक करते हैं कि उन्होंने एक्चुअली बनाया कैसे। सो द थर्ड स्टेप टॉक्स अबाउट रिकॉर्डिंग। ये तीसरा एट्रीब्यूट, ये तीसरा कैरेक्टरिस्टिक बेसिकली बात क्या करता है, ये बात करता है रिकॉर्डिंग करने के बारे में। एंड यहाँ पे रिकॉर्डिंग का मतलब क्या है, रिकॉर्डिंग का मतलब है अपनी बुक्स में लिखो आपने क्या करा, अपनी बुक्स में लिखो सैलरी पेड, अपनी बुक्स में सैलरी पेड का जर्नल एंट्री पास करके रखो। सो पहला स्टेप, बहुत सारे इवेंट्स हैं, इन इवेंट्स में देखो फाइनेंशियल कौन से हैं, नॉन फाइनेंशियल कौन से। दूसरा स्टेप, अगर फाइनेंशियल मिल गए हैं, देखो उसकी वैल्यू क्या है, उसको मेजर करो। एक बार आइडेंटिफाई भी कर लिया, मेजर भी कर लिया, फिर क्या करना है, रिकॉर्ड करना है। और रिकॉर्डिंग के लिए एक वर्ड क्या याद रखना है आप लोगों ने, जर्नल। रिकॉर्डिंग हमेशा कहां पर होती है, जर्नल के, ऑलवेज रिमेंबर। समझ आ रहा है? नेक्स्ट हमारे पास इसके अंदर आता है क्लासिफाइंग। Classifying is the process of grouping transactions or entries of one nature at one place. The transactions recorded in the journal or the subsidiary books are classified or portioned the main books of accounts known as ledger. जैसे third step में मैंने आप लोगों को journal लिखवाया था, वैसे ही fourth step के आगे अपने पास लिख लो ledger। आपके पास blackboard में लिखा भी, पेशे को underline कर लो या साथ में लिख लो। आपके पास एक word नजर आ रहा होगा यहाँ पे, ledger। अब देखो होता क्या, जर्नल के अंदर ना हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। जर्नल में हम लोग क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। अलग अलग आपके पास चीजें होती हैं, आप रिकॉर्ड करते हैं। अब मेरे पास 1,000 एम्प्लॉयज है, कितने एम्प्लॉयज है मेरे पास, 1,000 एम्प्लॉयज है। मैं सबकी एंट्री पास करूंगा, सैलरी टू कैश, सैलरी टू कैश, सैलरी टू कैश, सैलरी टू कैश, ऐसे करके एंट्री पास करता रहूंगा। वंश को पे करी, कनीफ को पे करी, अर्नव को पे करी, जितने बच्चन सबको मैंने सैलरी वगैरह से पे करनी शुरू कर दी। ठीक है, इतनी बात समझ आई आपको? जर्नल के अंदर आप सिर्फ ये ऐसी एंट्री पास कर, जर्नल के अंदर आप रिकॉर्ड करके छोड़ देते हो। अगला स्टेप आपके पास जो ये फोर्थ स्टेप आता है, इट टॉक्स अबाउट क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है, जो सिमिलर नेचर की आइटम्स है ना, उनको एक हेड में रिकॉर्ड करो। जो आपकी सिमिलर नेचर की आइटम्स है, उनको क्या करो, एक हेड में रिकॉर्ड करो। इस चीज का मतलब क्या होता है, मैंने बड़ी सारी एंट्री पास करी, मैंने 1,000 एम्प्लॉयज को सैलरी पे करी, मैंने अपना जो फैक्ट्री थी वो रेंट पे ले रखी, मैंने उसका रेंट वगैरह पे करा। अब रेंट भी 3-4 फैक्ट्रीज का था, उन सबका मैंने रेंट पे करा। एट द सेम टाइम मान लेते हैं मैंने कोई भी एक्सपेंड और भी खर्चा वगैरह करा, मैंने सेल करी, अपना सामान बनाकर बेचा, मैंने परचेज करी, रॉ मटेरियल खरीदी, फिनिश गुड्स को सेल कर दिया, ये सब काम मैंने कर, आपने इन सबको जर्नल में रिकॉर्ड भी कर लिया। अब चौथे स्टेप में मैं क्या करूंगा, जो सिमिलर आइटम्स है ना, उनको एक ग्रुप के अंदर लेकर, जो सिमिलर आइटम्स है उनको क्या करूंगा, मैं एक ग्रुप में लेकर आऊंगा। अब ये चीज कैसे होती है, अगर मैंने 1,000 एम्प्लॉयज को सैलरी पे करी, मैंने 1,000 बार अलग अलग बार जर्नल में उसको रिकॉर्ड करा, लेकिन लेजर में मैं क्या करूंगा, बस एक अकाउंट बना दूंगा सैलरी, और वो 1,000 के 1,000 चीजों को वहीं पर शो करूंगा। तो लेजर टॉक्स अबाउट क्लासिफिकेशन। लेजर टॉक्स अबाउट कि जो सिमिलर आइटम्स हैं उनको एक ग्रुप के अंदर शो करो, सारी सैलरी से रिलेटेड ट्रांजेक्शन को सैलरी अकाउंट में दिखाओ,
जो तीन चार गोडाउन का रेंट पे करा है उन सबको रेंट के अंदर शो करो, जो आपने परचेज का रॉ मटेरियल सबको परचेज में शो करो, जो आपने सेल करा है उन सबको सेल के अंदर शो करो। तो ये चौथा स्टेप क्या करता है, जो सिमिलर नेचर की आइटम्स हैं उन्हें ग्रुप करके इकट्ठा करो। दिस इज व्हाट इज क्लासिफिकेशन। एंड मैंने आपको बता दिया ये क्लासिफिकेशन किस में करी जाती है, ये क्लासिफिकेशन भी करी जाती है लेजर्स के। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है, आपके पास बड़े सारे इवेंट्स है फाइनेंशियल वालों को आइडेंटिफाई कर, क्लियर खत्म। दूसरे में जो आपके फाइनेंशियल इवेंट्स हैं, जो आपकी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है उनको मेजर करो, देखो उनकी वैल्यू क्या है। तीसरे स्टेप में रिकॉर्ड करो, रिकॉर्ड कहाँ करते हैं, जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। चौथे स्टेप में सिमिलर नेचर की आइटम्स को इकट्ठा करो, ग्रुपिंग करो, इसे हम लोग क्या कहते हैं, क्लासिफिकेशन कहते हैं। और क्लासिफिकेशन किस में करी जाती है, क्लासिफिकेशन हम लोग करते हैं लेजर्स के। क्लियर एवरीवन, कुछ पूछना? चलो आगे हमारे पास इसके अंदर आता है जिसे हम लोग समराइजिंग कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, नेक्स्ट वी हैव इज समराइजिंग। समराइजिंग के अंदर हम लोग क्या कहते हैं, दिस इन्वॉल्व्स प्रेजेंटिंग द क्लासिफाइड डेटा इन अ मैनर व्हिच इज अंडरस्टैंडेबल एंड यूजफुल फॉर इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल यूजर्स। यहाँ पर आपको ना एक दो पॉइंट्स में लिखा होगा, फर्स्ट में लिखा होगा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, एंड सेकंड में लिखा होगा आपके पास बैलेंस शीट। द अबव स्टेटमेंट्स आर कलेक्टिवली नोन एज फाइनेंशियल अकाउंट्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। मेरी एक बात समझ लो, आपके पास इसके बाद जो अगला स्टेप आता है ना वो आता है समराइज करना। आप ये समराइजेशन क्यों करते हो, पता लगाने के लिए कि आपकी कंपनी को, आपकी फर्म को प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस। यू हैव टू आइडेंटिफाई दैट। सो ये जो हमारे पास टॉपिक है यहाँ पे समराइजिंग वाला, व्हाट इट टॉक्स अबाउट, इट टॉक्स अबाउट फाइंडिंग द प्रॉफिट और लॉस ऑफ योर कंपनी, इट टॉक्स अबाउट फाइंडिंग द प्रॉफिट और लॉस ऑफ योर फर्म। समझ आया आप लोगों को ये वाली चीज? एक चलो, हम लोग बात कर रहे समराइजिंग के बारे में। मैंने कहा समराइजिंग के अंदर हमारे पास दो चीजें होती हैं, वो दो चीजें कौन कौन सी होती हैं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस होता है, एक हमारे पास बैलेंस शीट होती है। सो व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इन समराइजिंग इज, हम इस तरीके से अपने सारे फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स की एक समरी बनाते हैं ताकि हमारे मैनेजमेंट को पता लग सके कि जो हम काम कर रहे हैं वो सही जा रहा है या गलत। आपने सैलरी रिकॉर्ड कर ली, आपने अपनी सेल्स रिकॉर्ड कर ली, आपको आखिरी में तो काम क्या है, पता लगाना कि प्रॉफिट एंड लॉस हो रहा है कंपनी को, वरना मैं सैलरी वगैरह क्यों रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं ये सेल्स वगैरह क्यों रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इन द एंड आई वांट टू फाइंड आउट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ माय कंपनी। मैं पता लगाना चाहता हूँ कि मेरी कंपनी की फाइनेंशियल पोजिशन क्या है, क्या मेरी कंपनी अच्छी चल रही है या मेरी कंपनी खराब हो रही है। सो दिस समराइजिंग स्टेप टॉक्स अबाउट क्रिएटिंग ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ योर फर्म, so that you can find out the profit and loss of your entity. आप पता लगा सको कि जो आपकी entity है, जो आपकी company है, जो आपकी firm है, वो actual में profit में जा रही है या फिर नुकसान में। ये हम लोग summarizing में बात करते हैं। Next आता है इसके अंदर हमारे पास analysis. Analysis and interpretation of the financial data are carried on so that the users of financial data can make meaningful judgment of the profitability and financial position of the business. अब मैंने fifth step में अपना profit and loss पता लगा लिया कि मेरा इतना profit है या मेरा इतना loss है। ये जो अगला step है हमारे पास analysis and interpretation, ये किस चीज की बात करता है, ये हमारे को कहता है इससे अब analyze करो कि आप सही चल रहे हो या गलत चल रहे हो। मैं analyze कैसे कर सकते, दो चीजें कर सकता हूँ, एक मेरे पास होता है इंटर फर्म कंपैरिजन, एक होता है इंट्रा फर्म कंपैरिजन। क्या मतलब है इस बात का, मान लो वंश आपकी एक फर्म, आपकी फर्म को 10,000 करोड़ का प्रॉफिट होता है, आप दो तरीके से कंपैरिजन कर सकते हो। आप मान लो पेन्स बेचते हो, आप अपनी फेलो पेन वाली कंपनी को देख सकते हो कि इसको कितना प्रॉफिट होता है। मान लो गनीब आपकी पेन की कंपनी है, आपको 8,000 करोड़ का प्रॉफिट है, तो आप खुश हो सकते हो कि मेरी फेलो कंपनी को 8,000 करोड़ का प्रॉफिट हो रहा है, मेरे को 10,000 करोड़ का प्रॉफिट हो रहा है। दिस इज इंटर फर्म कंपैरिजन। आपके स्कूल में होता है इंटर स्कूल कंपटीशन, जहाँ पे आपका स्कूल किसी और के स्कूल के साथ में कंपैरिजन करता है, वैसे ही दिस इज इंटर फर्म कंपैरिजन, वेयर यू आर कंपेयरिंग द फाइनेंशियल रिपोर्ट्स ऑफ योर फर्म विद सम अदर फर्म। इसके अलावा आप इंट्रा फर्म कंपैरिजन भी कर सकते हो। आप देखो मुझे लास्ट ईयर कितना प्रॉफिट हुआ था, अच्छा लास्ट ईयर तो मेरे को 12,000 हुआ था, इस साल सिर्फ 10,000 हुआ, इसका मतलब मैं खराब चल रहा हूँ, लास्ट ईयर कंपैरिजन। अच्छा लास्ट ईयर मेरे को 8,000 हुआ था, इस साल मेरे को 10,000 हुआ, तो मैं तो बड़ा अच्छा चल रहा हूँ,
मेरी कंपनी बहुत अच्छा काम कर रही है. सो दिस सिक्स स्टेप एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन टॉक्स अबाउट द स्टेप ऑफ द मैनेजमेंट, जहां मैनेजमेंट सोचती है कि जो कंपनी को प्रॉफिट या लॉस हो रहा है वो सही हो रहा है या गलत हो रहा है, एंड वो आप कैसे कर सकते हो. इंट्रा फर्म कंपैरिजन, अपने खुद के अंदर पास्ट के साथ कंपैरिजन करके, या फिर इंटर फर्म कंपैरिजन. द लास्ट स्टेप दैट वी हैव इज कम्युनिकेटिव. वंश कुछ पूछना बताओ. समझा देता हूँ. क्लासिफाइंग में आप लेजर क्रिएट करते हो. लेजर का मतलब क्या है, मैंने सैलरी का एक अकाउंट बनाया, सारी सैलरी की ट्रांजेक्शन शो कर. मैंने रेंट का एक अकाउंट बनाया, रेंट की सारी ट्रांजेक्शन शो कर दी. वहां पर आप सुन सिर्फ ग्रुपिंग कर रहे हो. यहाँ पर समराइजिंग में आप एक्चुअल प्रॉफिट या लॉस निकाल रहे हो. आप सेल्स में से सारे खर्चों को माइनस कर रहे हो. आप कह रहे हो मैंने 10,000 की सेल करी और मेरे सारे खर्चे 4,000 के, मेरा प्रॉफिट कितना होगा, 6,000. सो ये प्रॉफिट जो आप निकाल रहे हो वो कहाँ पर निकाल रहे हो, समराइजिंग के. समराइजिंग में जो हम दो अकाउंट बनाते हैं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट, यहीं से हमारा प्रॉफिट एंड लॉस निकलता है. हाँ हाँ बेटा, प्रॉफिट का मतलब ही क्या होता है, आफ्टर डिडक्टिंग ऑल एक्सपेंसेस. प्रॉफिट इज ऑलवेज आफ्टर डिडक्शन ऑफ एक्सपेंसेस. आपकी जो भी आपकी इनकम है उसमें से खर्चे माइनस करोगे तभी आपका प्रॉफिट आता है. आपके मान लो आपके फादर का बिजनेस है, आपके फादर के बिजनेस है तो किसी ने उनको मान लो 1,000 करोड़ रुपए पे करे, वो 1,000 करोड़ रुपए उनकी इनकम है. अब ये 1,000 करोड़ कमाने के लिए उन्होंने कहीं 200 करोड़ खर्चे हो, तो उनका प्रॉफिट कितना आ रहा है, 800. 1,000 कमाया, लेकिन 1,000 कमाया कैसे, 200 लगा, वो जो 800 हो मेरा प्रॉफिट है. प्रॉफिट इज ऑलवेज आफ्टर रिडक्शन ऑफ एक्सपेंसेस. लास्ट स्टेप इसके अंदर हमारे पास आता है कम्युनिकेटिंग. फाइनली अकाउंटिंग फंक्शन इन्वॉल्व्स कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, दैट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टू द यूजर्स. द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन शुड बी प्रोवाइडेड टू द यूजर्स एट द एप्रोप्रिएट, डिसीजंस कैन बी टेकन एट द एप्रोप्रिएट टाइम. अब मेरी एक बात समझ लो. लास्ट स्टेप इसके अंदर जो हमारे पास आता है ना वो कम्युनिकेटिंग होता है. क्या आता है हमारे पास, कम्युनिकेटिंग. जो भी आपकी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है, जो भी आपका प्रॉफिट या लॉस है, ये आप अपने यूजर्स को बताना चाहते हो. हमारे पास में भी टॉपिक आएगा यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के नाम से, कि जो ये फाइनेंशियल रिकॉर्ड है, जो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है, ये एक्चुअली देखता कौन है, इसको यूज कौन करता है. मैंने आपको भी एक एग्जांपल दिया मैनेजमेंट का. मैनेजमेंट देखती है कि हमारे को प्रॉफिट या लॉस जो हो रहा है ये अच्छा है या बुरा है. पिछले साल से इस साल हम लोग वी आर गोइंग ऑन अ गुड ट्रैक या हम बैक ट्रैकिंग कर रहे हैं, हम पीछे की तरफ जाते जा रहे हैं. एक तो आपकी मैनेजमेंट देखती है. वैसे मैं आपको एक दो एग्जाम्पल देता हूँ. आपके बैंक्स भी ये चीज़ देखते. आप इंडिविजुअल्स हो, कभी बैंक के पास जाओ लोन लेने के लिए, बैंक कहेगा अपना आईटीआर दिखाना सर, आप जो अपने टैक्स फाइल करते हो दिखाओ, आपकी इनकम कितनी, उसी के हिसाब से आपको लोन देंगे. इनकम तुम्हारी 20 लाख की है, लोन तुम 1 करोड़ का लेने के लिए आया, तो वो कहाँ से तुम्हारे को लोन देंगे. यू आर गेटिंग इट. यही सेम चीज़ कंपनीज के साथ भी होती है. कंपनीज के फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, कंपनीज की फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन बैंक्स देखते हैं. बैंक्स देखते हैं क्या इस बंदे को जो ये लोन मांग रहा है इतना देना चाहिए या हमें सिर्फ इतना ही. तो अलग अलग लोग आपके इसको देखते हैं. जैसे मैनेजमेंट का मैंने आपको एग्जांपल दिया देखता है, वैसे ही बैंक्स देखते हैं लोन देने के टाइम पर. वैसे ही गवर्नमेंट देखती है. गवर्नमेंट कब देखती है, टैक्स कलेक्शन के टाइम पे. आपकी इनकम पे तो टैक्स निकाला जाता है. अगर आपकी 20 लाख इनकम है आपका टैक्स कम है, आपकी 50 लाख इनकम है आपका टैक्स ज्यादा है. सो गवर्नमेंट ऑल्सो लुक्स एट द फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स ऑफ कंपनीज टू कैलकुलेट द टैक्स पेड बाय देम, ताकि पता लगा सके इस कंपनी ने टैक्स हमारे को कितना पे करना है. वैसे ही अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो, आप शेयर्स में, डिबेंचर्स में, इन सब में पैसा लगाते हो, तब भी आप कंपनी के फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को देखते हो. अब एक कंपनी जो डूबी हुई है, 2,000 करोड़ के नुकसान में चल रही है, क्या पैसा लगाओगे उस कंपनी में, इन्वेस्ट करोगे, नहीं करोगे. यही टाटा कंपनी है, बड़े अच्छे प्रॉफिट में चल रही है, आप पैसा लगाओगे. तो पता कैसे चला कि कंपनी पैसा लगाना है या फिर नहीं लगाना, उसके फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को. सो दिस लास्ट स्टेप ऑफ कम्युनिकेटिंग टॉक्स अबाउट कंपनी ने जो अपने फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स क्रिएट करे हैं उन्हें पब्लिक तक लेकर जाओ. पब्लिक तक कैसे लेकर जाओगे, अपनी वेबसाइट पे पब्लिश करके. आज के टाइम पे जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं वो अपने फाइनेंशियल रिकॉर्ड, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को अपनी वेबसाइट पे पब्लिश करती हैं, बिकॉज उनके लिए ये चीज़ मैंडेटरी, उनको ये काम करना पड़ता है. आपको कोई नहीं कहता कि अपने आईटीआर अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे लगा लो, आपको ये चीज़ नहीं कहते, but they have to do it on their website.
ताकि जो यूजर्स हैं उन्हें पता चले, ताकि गवर्नमेंट को पता चले, ताकि बैंक्स को पता चले। सो दिस लास्ट स्टेप इज अबाउट कम्युनिकेटिंग। तो हमने एट्रीब्यूट से बेसिकली पढ़ क्या लिया, हमने कहा कि अकाउंट्स की जब हम लोग बात करते हैं तो हम लोग पहले आइडेंटिफाई करते हैं कि फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कौन सी, फिर हम उसको मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी, 10,000 है, 20,000 है, 30,000 है, क्या है, फिर हम उसको रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्डिंग कहाँ करी जाती है, रिकॉर्डिंग करी जाती है जर्नल के अंदर। फिर हम उनको क्लासिफाई करते हैं, सैलरी का एक बना दिया, रेंट का एक बना दिया, परचेज का एक बना दिया, दैट इज डन इन द फॉर्म ऑफ लेजर्स। फिर आया समराइजिंग, जहां पर आप प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड आउट करते हो कि आपकी कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है या फिर नुकसान हो रहा है। एनालिसिस में देखते हो कि पिछले प्रॉफिट से ये वाला प्रॉफिट बढ़ा है या फिर कम हुआ। और लास्ट में जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स उनको वेबसाइट पे डालो, उन्हें पब्लिक तक लेकर जाओ, ताकि जो अलग अलग यूजर्स हैं फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के, वो ढंग के अप्रोप्रिएट डिसीजंस ले सकें एट अप्रोप्रिएट टाइम। अब आपने जो आठ स्टेप, ये सात स्टेप जो मेरे साथ पढ़े, यही सेम आपकी डेफिनेशन बना देंगे। अकाउंटिंग रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स। तो जो आप लोगों ने मेरे साथ ये अलग अलग स्टेप्स पढ़े हैं ना, यही सारे स्टेप्स हमारे पास किसके अंदर आ गए हैं, यही सारे स्टेप्स हमारे पास आपके डेफिनेशन के अंदर भी। क्लियर हो गया, समझ आ गया। तो हमने आज क्लास में अभी तक करा क्या, हम लोगों ने एक चीज डिस्कस करी अकाउंटिंग की डेफिनेशन क्या होती है, एंड उसी से हमारे पास अकाउंटिंग के एट्रीब्यूट्स या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स निकल कर आए। मैंने एक टॉपिक आपको भी शुरू कराया है, दैट इज यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, कि कौन कौन से यूजर्स हैं जो इन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं। समझ आ गया यहाँ तक, एक टॉपिक और डिस्कस करते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक आज की क्लास का लास्ट टॉपिक जो हम डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। आपके इस बुक में एक टॉपिक होगा विच टॉक्स अबाउट ब्रांचेस, या इसको हम लोग सब फील्ड्स ऑफ अकाउंटिंग भी कहते हैं। अब देखो, ब्रांचेस या फिर सब फील्ड्स ऑफ अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है, जब भी अकाउंट्स बनाते हो ना, ये हमारे पास तीन अलग अलग ऑब्जेक्टिव से बन सकते हैं। एक हमारे पास फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है, एक हमारे पास कॉस्ट अकाउंटिंग होती है, और एक हमारे पास मैनेजमेंट अकाउंटिंग। आप जो अभी क्लास 11, 12 में पढ़ रहे हो, दिस बुक दैट यू आर रीडिंग, 12th में जाकर जो आप तीन बुक्स पढ़ोगे, दोज आर ऑल अबाउट फाइनेंशियल अकाउंटिंग। उन सब में हम किसकी बात करेंगे, उन सब में हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग की ही बात करेंगे। अगर आप कॉलेज में जाते हो, बाद में कभी MBA वगैरह करते हो, या कोई भी ऐसी चीज़ करते हो, वहाँ पर जाकर आपके पास कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग आती है। कॉस्ट अकाउंटिंग इनफैक्ट आपके कॉलेजेस के अंदर भी होती है, लेकिन आपके पास 11th 12th का जो कोर्स है, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ठीक है, आओ जरा इसको देखते हैं। ओके, सो द फर्स्ट वन दैट वी हैव इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग डील्स विद द मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, डिटरमिन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। जो आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, ये बेसिकली किसके बारे में बात करती है, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करो और साथ में अपनी फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में सोचो कि आप प्रॉफिट में चल रहे हो या लॉस में चल रहे हो। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का एक ही ऑब्जेक्टिव है, ये एक ही चीज की बात करते हैं। जो मर्जी कंपनी कर रही हो, मुझे देखना है कि मेरी कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है, दैट्स इट। सेकेंड आता है हमारे पास कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग डील्स विद रिकॉर्डिंग कॉस्ट विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ एसर्टेनिंग, रिड्यूसिंग एंड कंट्रोलिंग कॉस्ट। कॉस्ट अकाउंटिंग का काम क्या होता है, ये प्रॉफिट लॉस के बारे में नहीं सोचता, ये सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट के बारे में सोचता है। कॉस्ट का मतलब क्या है, जो आप खर्चा कर रहे हो, जो पैसा आप लगा रहे हो। कॉस्ट अकाउंटिंग टॉक्स अबाउट रिड्यूसिंग कॉस्ट, ये कहता है मुझे प्रॉफिट से मतलब नहीं पड़ता, मुझे देखना है कि मैं साल दर साल अपनी कॉस्ट को कैसे कम कर सकता हूँ। अब मैं कोई भी चीज़ करता हूँ, हर जगह कॉस्ट लगती है। मैं एक कंपनी खोलता हूँ, मुझे एम्प्लॉयज को हायर करना पड़ता है। मान लो मैंने 30 एम्प्लॉयज को हायर करा, कितने एम्प्लॉयज को हायर करा, 30 एम्प्लॉयज को हायर करा। कुछ टाइम बाद मुझे लगता है कि जो ये 30 एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं ना, ये सारा का सारा काम बड़ी आराम से 25 एम्प्लॉयज भी कर सकते हैं। लेकिन सैलरी में किसको पे कर रहा हूँ, 30 के 30 एम्प्लॉयज को पे कर रहा हूँ। तो कॉस्ट अकाउंटिंग मुझे कहता है ट्राई टू रिड्यूस योर कॉस्ट, जितना हो सके अपने कॉस्ट को कम करने की कोशिश करो। मैं वो 5 एक्स्ट्रा एम्प्लॉयज को निकाल दूँ, उनका कोई काम नहीं है मेरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। सिमिलरली मैं क्या कर रहा था, पहले मैं बड़ी दूर से अपना रॉ मटेरियल मंगवा रहा था, मैं आसाम से रॉ मटेरियल मंगवा रहा था। आसाम से रॉ मटेरियल मंगवा रहा हूँ तो सिंपल सी बात है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत लग रही होगी मेरी। मेरे को बाद में पता चला कि मेरे पास दिल्ली के अंदर ही एक और सप्लायर है जो सेम क्वालिटी का मटेरियल मेरे को सप्लाई कर रहा है। तो मैं आसाम वाले से खरीदूंगा, नहीं खरीदूंगा, मैं वो यहीं से ले लूंगा। क्यों यहाँ से खरीदूंगा, बिकॉज कॉस्ट अकाउंटिंग कहता है अपने ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को मिनिमाइज कर लो। सो फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज ऑल अबाउट प्रॉफिट एंड लॉस।
कॉस्ट अकाउंटिंग इज अबाउट एलिमिनेटिंग और रिड्यूसिंग योर कॉस्ट. कुछ ऐसा काम करो जिससे आपकी कॉस्ट कम, कुछ ऐसा काम करो जिससे कॉस्ट आपकी रिड्यूस. लास्ट हमारे पास आता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग. मैनेजमेंट अकाउंटिंग डील्स विद प्रोवाइडिंग नेसेसरी इंफॉर्मेशन टू द मैनेजमेंट फॉर डिस्चार्जिंग देयर फंक्शंस. अरे मैं आपके सामने ना एक कंडीशन इम्पोज करता हूँ. आपको एक मशीनरी खरीदनी है. आपको क्या करना है, आपको एक मशीनरी खरीदनी है. मशीनरी जो आपके पास है वो मशीनरी अगर आप खरीदने जाते हो मार्केट के अंदर तो 50 लाख की है. कितने की है? 50 लाख की. ये 50 लाख की मशीनरी सिर्फ और सिर्फ 6 साल चलती है. कितने साल चलती है? 6 साल चलती है. या तो ये 50 लाख की मशीन खरीदो और इसको 6 साल तक यूज कर सकते हो, या 50,000 पर मंथ के हिसाब से इसको रेंट पे ले सकते हो. यू हैव टू ऑप्शंस. इधर 50 लाख की मशीनरी आपके पास जो है उसे खरीदो और उसको आप 6 साल तक यूज कर सकते हो, या 50,000 पर महीना रेंट पे करके आप उसको यूज कर सकते हो. अब इसके अंदर बात आपके पास ये आती है, आप सब सोच रहे हो, कैलकुलेट कर रहे हो, अच्छा 50 लाख जो है ये 6 साल के लिए, अगर मैं 50,000 पर मंथ करता हूँ तो पूरे साल का इतना होता है, 5 सालों का या 6 सालों का इतना होता है. सो मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज ऑल अबाउट टेकिंग दिस डिसीजन. यहाँ पे सिंपल मैथ्स नहीं आपने करनी, तो आपने 10th में ही सीख ली कि किससे कॉस्ट ज़्यादा आएगी. ये थोड़ा ना हमारे को सोचना है, हमारे को सोचना है हमारा बेनिफिट किससे आएगा. सो मैनेजमेंट अकाउंटिंग टॉक्स अबाउट PVCI, PVCU, FV, ये सारे टर्म्स भी आपके कोर्स में नहीं है. प्रेजेंट वैल्यू, एनुइटी फैक्टर, फ्यूचर वैल्यू, ये सब चीज़ें आपके पास आगे जाकर आएंगी व्हेन यू गो टूवर्ड्स योर हायर क्लासेस, आप अपने कॉलेज वगैरह के ना सेकेंड थर्ड ईयर के अंदर होंगे. सो वहाँ पर जाकर आपके पास ये कॉन्सेप्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग का आएगा, जहाँ पर मैनेजमेंट को डिसीजन लेना. अगर आप मैनेजर बनते हो डिसीजन किसने लेना है? आपने डिसीजन लेना. यू हैव टू डिसाइड कि मैं एक बहुत बड़ा ऑफिस खरीद लूँ या फिर रेंट कर लूँ. आप उस टाइम पर सोचोगे PVCI, PVCO के बारे में, जो चीज़ ग्रेटर लगेगी आप उसको चूज कर. सो अभी के लिए आपको इन चीज़ों को समझने की जरूरत नहीं है. अभी के लिए आपको सिर्फ इन 3 फील्ड्स का मतलब पता होना चाहिए. फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्रॉफिट एंड लॉस की बात करता है, कॉस्ट अकाउंटिंग बात करता है अपने कॉस्ट को रिड्यूस करने की, एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज अबाउट टेकिंग डिसीजंस. जैसे आपको डिसीजन दिया मशीनरी का खरीद लूँ कि रेंट पे लूँ, फैक्ट्री बड़ी सी मुझे लेनी है, मैं ऑफिस लेना है, मैं उसे खरीद लूँ या रेंट पे लूँ, दैट इज व्हाट इट इज. क्या करूंगा मैं उस एसेट को? तो मैं नहीं, मेरे तो फिर कॉस्ट बच जाएगी. मैं रेंट पे अगर लूंगा तो मैं रेंट का एग्रीमेंट टर्मिनेट कर दूंगा 3 साल बाद जब मेरे को यूज. एसेट बेच कर लिक्विड मनी कभी आती नहीं बेटा. एसेट ओलेक्स थोड़ा बेचोगे, 50 लाख की जो ओलेक्स पे कहाँ फेंकेगी? एसेट बेचने तो बहुत टाइम लगता है, एंड एसेट एक कंपनी तब बेचती जब वो लिक्विडेट हो रही है, जब वो बंद होने वाली होती है. वो समझ आया? अगर आप बैंकक्रप्ट हो गए, अगर आपको हिंदी में बोल के दिवालिया हो गए, तब जाके अपनी एसेट्स को बेचते, वरना कभी भी एसेट को नहीं बेचते. एसेट इज नेवर लिक्विड मनी. लिक्विड मनी वो है जो आपके हाथ में है और जो आपके बैंक में पड़ी है, आप फटाफट उसको यूज कर सकते हो. एसेट बेच के नहीं पैसा ले पा सकते. अब बोले देखो पैसा चाहिए तो जाने का अपना घर बेच देगा? दैट इज नॉट पॉसिबल. उसे बेचने में बहुत टाइम लगता है. सेम थिंग इज फॉर प्लांट एंड मटेरियल, दीज आर नॉट लिक्विड एसेट्स. अभी मैंने कहा कि अभी तुम एक सिर्फ एक मैथमेटिकल स्टैंड पॉइंट सोच रहे हो कि 60 लाख लग जाएंगे या 50 लाख लग जाएंगे, मैं बेच दूंगा मेरे पास पैसा आ जाएंगे. ये तो चीज़ है ही नहीं इसमें. यहाँ पर तो आप एनुअल फैक्टर सोचते हो, यहाँ पर तो आप फ्यूचर वैल्यू सोचते हो. 6% का इन्फ्लेशन रेट है. तो आज एक चीज़ 10,000 की 10,000 या 50,000 के रेंट पर लेता है, फ्यूचर में देख उसकी वैल्यू क्या होती है, किस तरफ जाती है. आज आप 50 लाख की एसेट खरीद लेते हो, फ्यूचर में उसकी वैल्यू कितनी रह जाती है? 50 लाख की जो 50 लाख में तो नहीं बिकेगी, हर साल उसकी डिप्रिसिएशन होगी. उसे अकाउंट में कहाँ लेना है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग. सो मैनेजमेंट अकाउंटिंग टॉक्स अबाउट टेकिंग डिसीजंस. मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप इस टाइम पर डिसीजन लो कि आपने उसे खरीदना या फिर आपने रेंट पर लेना. इस टाइम पर आपको सिर्फ इतना समझना है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हम लोग डिसीजंस की बात करते हैं. सो आपके पास यही सेम चीज डिटेल में यहाँ पर गिवन है, एक बार इसको रीड कर लेते हैं. फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज कंसर्न्ड विद रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स, समराइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग देम, एंड कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट्स टू द यूजर्स. हमने ये बात पढ़ ली. अभी आपने अकाउंटिंग की डेफिनेशन भी जो पढ़ी थी वो भी तो यही थी, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स को रिकॉर्ड कर एंड यूजर्स को उसको दे दो. कॉस्ट अकाउंटिंग की बात क्या कर रहे हैं?
The limitation of financial accounting in respect to information related to the cost of products or services led to development of a specialized branch that is cost accounting. Cost accounting क्या करती है? Cost accounting ascertains the cost of products. ये products ही cost को find out करती है. ये देखती है कि जो आपकी cost है वो कितनी है और धीरे धीरे इसको eliminate करने की बात करती है. धीरे धीरे से कम करने की कोशिश करती है. लास्ट क्या आता है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग. मैनेजमेंट अकाउंटिंग सबसे नई सबसे रिसेंटली डेवलप्ड फॉर्म है अकाउंटिंग की. इट इज कंसर्न्ड विद जनरेटिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू फंड्स, कॉस्ट, प्रॉफिट्स एटसेट्रा. वी से आप देखो यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज लिखी है, एज इट एनेबल्स द मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग. मैनेजमेंट अकाउंटिंग का काम ही क्या है? इस तरीके से अकाउंटिंग करो ताकि आपकी मैनेजमेंट ढंग के डिसीजन ले सके. डिसीजन कोई भी हो सकता है. मैंने आपको दो एग्जांपल्स दिए, मशीनरी खरीदनी है रेंट पे लेनी है, ऑफिस खरीदने है रेंट पे लेना है. ऐसे ही एन नंबर ऑफ डिसीजंस हर मैनेजमेंट को लेने पड़ते हैं, तो वो उसके लिए किसकी हेल्प लेगा? मैनेजमेंट अकाउंटिंग. तो आज की हमारी जो पहली क्लास थी इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, उसमें हम लोगों ने क्या डिस्कस कर लिया? अकाउंटिंग की डेफिनेशन डिस्कस कर ली, अकाउंटिंग के एट्रीब्यूट्स डिस्कस कर लिए, एंड वी डिस्कस्ड अबाउट थ्री ब्रांचेस और सब फील्ड्स ऑफ अकाउंटिंग. आई होप आप लोगों को आज की क्लास क्लियर होगी. If you find today's lecture useful, kindly like the video, leave your valuable comments, and subscribe to the channel. Thank you, everyone. Bye-bye.